हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है, किस तरीके से आपके ट्रांसफ़र होंगे, आप दूसरे ज़िले में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रांसफ़र के बारे में बता दीजिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या रहता है, जैसे मान लो आप कोई आज आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है कोई डीसी, मान लो ग्वालियर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, और आप चाहते हैं तो कि आपको दूसरे ज़िले में जाना है। तो देखो, दूसरे ज़िले में तो आप नहीं जा पाओगे। आप ग्वालियर में जो ब्रांचेज होंगी, ग्वालियर में जितनी भी ब्रांचेज होंगी, आप उनमें आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा इजीली। मतलब जैसे मान लो 15 ब्रांचेज हैं, तो 15 ब्रांचेज में आपको कहीं भी भेज सकते हैं, कितने भी समय के लिए भेज सकते हैं ना। वैसे अभी तो मतलब ऐसा नियम बना दिया गया था कि एक ब्रांच में एक बंदा 3 साल या मैक्सिमम 5 साल रहेगा, इसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा शिवपुरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, घोटाला वगैरह हो गया था, तो उस वजह से ये नियम बनाया गया था कि एक ब्रांच में कोई भी हो, मतलब चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो सोसाइटी मैनेजर हो, एक ब्रांच में 3 से 5 साल तक ही रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 3 या 5 साल तक रहेगा, कई कई लोग हैं वो काफ़ी सालों से एक ही ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो देखो, ब्रांचेस के अंदर आपका ट्रांसफ़र ईजीली होता रहेगा। जैसे मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो आप हेड ऑफिस में बात करके आपको मतलब कोई अदर ब्रांच में जाना है, तो आप जा सकते हैं यदि वहाँ पर जो जगह है वो खाली है। तो ऐसा नहीं है मतलब वहाँ पर लोग हैं तब वहाँ पर उनको हटा के आपको कर दिया जाएगा। यदि आपकी जब बहुत ज़्यादा नीड है और वहाँ पर जगह खाली है तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि जैसे मान लो आपको ग्वालियर से गुना जाना है, तो वो क्या हो गया कि डीसीसीबी ही चेंज हो गई। अभी ये डीसीसीबी कौन थी, ग्वालियर थी, ये कौन सी है, गुना है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। देखो, हो सकता है आपको कुछ पता चला हो कि आपकी जो पहले ज्वाइनिंग थे उनका भी उसका ट्रांसफ़र अदर ज़िले में हो गया है। तो कुछ टाइम पहले एक नियम बनाया गया था कि मतलब पहले क्या था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही हो सकते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उसमें एक संशोधन किया गया था कि आप यदि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी जा सकते हैं, आपको मतलब इस डीसीसीबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उस डीसीसी की भी, दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि बोर्ड आपको ये दोनों आपको परमिशन दे देते हैं कि मतलब हमें ये बंदा चाहिए और हमें इसको भेजना है, तो फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता। लेकिन अब वो नियमों में जो संशोधन था उस पर काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई थी, तो उस वजह से उस नियम को अब बंद कर दिया गया है। अब फिर से वही पॉलिसी है कि आप यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो हो जाएगा, है ना, कि एक बंदा आ रहा है एक बंदा जा रहा है। इसके अलावा यदि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको उसी ज़िले में रहकर जॉब करनी पड़ेगी जिस ज़िले में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आपने जो भी ज़िला भरा होगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंटेंट मेरे अच्छे लग रहे होंगे। आपको जो भी जानकारी है, यदि इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।